नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं परवाल पंचामृत रस। दोस्तों परवाल पंचामृत रस कैसे बनता है, इसके इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं और इससे कितनी मात्रा में कब सेवन करना चाहिए और इससे होने वाले फायदों के बारे में आज हम की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, परवाल पंचामृत मुख्य रूप से 5 चीज़ों से बनता है, जिसमें हम परवाल बस या परवाल पिष्टी लेते हैं। अगर परवाल पिष्टी लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना आप परवाल भस्म भी ले सकते हैं। इसके अलावा मोती पिष्टी, मुक्ता सूक्ति पिष्टी, शंख भस्म और कपर्द भस्म, ये 5 चीज़ें जो कि सामुद्रिक हैं, जो कि समुद्र के आसपास नदियों में मिलती हैं, इन 5 चीज़ों का प्रयोग करके परवाल पंचामृत बनाया जाता है। इन 5 को लेना होता है। इन 5 औषधियों को जो मात्रा है उसमें परवाल पिष्टी की मात्रा 2 तोला या 20 ग्राम ले सकते हैं आप, और बाकियों की 1-1 तोला मात्रा लेनी होती है। उसके बाद दोस्तों इनके बराबर के आग का रस या आग का दूध हमें लेना होता है, उसकी भावना देके और खरल में इन चीज़ों की गुठाई करनी होती है। लगभग 1 दिन की गुठाई करने के बाद इनकी एक गोला बनाना पड़ता है, जो सूख जाता है उसको एक गोला बनाना पड़ता है। उस गोले को शराब से पुट करके फिर गजपुर देना होता है। तो उसके बाद जब गजपुर शांत हो जाए तो हमें जो भस्म मिलती है या जो रस मिलता है उसको परवाल पंचामृत रस बोलते हैं। दोस्तों ये पित्तजन्य रोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा जो शरीर में जिन लोगों को जलन ज़्यादा रहती है या फिर जिनको खाने में हाजमे की शिकायत हो, या मतलब ये मान लीजिए ये शीतलदायक तीक्ष्ण औषधि है, यानी इसमें शीतलता भी है और ये तीक्ष्ण भी है, क्योंकि ये जो 5 चीज़ें वो शीतल होती हैं और इसमें जो आग की भावना लग जाती है, आग के रक्स की भावना लग जाती है, उसके बाद ये तीक्ष्ण हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी है। चलो अब इसके बारे में भी हम साथ साथ चर्चा करते रहेंगे कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे लेना चाहिए, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों परवाल पंचामृत उदर रोगों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, और इसको बनाने के लिए इन 5 औषधियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आग का दूध की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों इसमें लिया जाता है परवाल पिष्टी, जो परवाल के पत्थर से बनाई जाती है। दोस्तों इसके अलावा अगली है मोती पिष्टी, जिसे मुक्ता पिष्टी भी बोलते हैं, मोती से बनाई जाती है। और यह है शंख भस्म, जो शंख से बनाई जाती है। यह है मुक्ता सूक्ति, जो मोती के ऊपर का खोल होता है उससे बनाई जाती है। यह है कपर्द भस्म, इसे कोडी से बनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 5 भस्में ली जाती हैं। इसके अलावा हमें आवश्यकता होती है आग के दूध की, यानी जो आग होता है उसके जो दूध होता है उसको इकट्ठा करके हमें इसमें दूध की भावना देनी पड़ती है। कुछ लोग इसमें दूध की भावना देते हैं, सिंपल जो गाय का दूध आता है उसकी भावना देके भी बनाते हैं, वो सौम्य होती है, लेकिन असली परवाल पंचामृत होता है वो आग के दूध से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों आग का दूध इकट्ठा कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आग का दूध है 50 ml से 60 ml आपको आग का दूध लेना पड़ता है, और पूरे दिन इसकी घुटाई करें, जब तक ये 50-60 ml इन 60 ग्राम जो औषधि हैं, 6-5 औषधि हैं उनमें समान आ जाए, तब तक इसकी घुटाई करें। दोस्तों जो परवाल पंचामृत होता है वो आमाशय यानी स्टोमच के लिए बहुत अच्छी औषधि है। लीवर, प्लिया और ग्रहणी यानी डुडिनम जिसको बोलते हैं, इन सभी के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। उदर रोगों के लिए तो ये इसके साथ लीवर एनलार्जमेंट में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। पित्त प्रधान लक्षण जिसमें आँख, त्वचा, मूत्र में पीलापन हो जाता है, और दोस्तों घबराहट होती है, प्यास अधिक लगती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इस तरह से इसकी घुटाई करें अच्छे से। घुटाई करने के बाद दोस्तों 2 स्राव लें, उन स्राव को मुख को समतल करने के लिए दोनों को अच्छे से घिसें। जब ये पूरी तरह अच्छे से चिप जाए, ऐसा बन जाए, तो दोस्तों इनके अंदर जो अपन पिष्टी बनाई है, जो पिष्टी हमने तैयार की है, उसको सारी को डाल के और इसको हम कूट देंगे। दोस्तों आफरा जिसे बोलते हैं, यानी खाने के बाद पेट में भारीपन होना, और उसकी ये बहुत अच्छी औषधि है, यानी जो लोग खाते ही उनके पेट में भारीपन की शिकायत होती है उनके लिए बहुत ही कारगर औषधि है। जिनके गोला रहता है यानी गुलम रहता है, पेट में गोला बन जाता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा जो पेट के सारे रोग हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों इस तरह से इस औषधि का गोला बना लें, और इस गोले को दोनों सराहों के बीच रख के इसके ऊपर कप्पड़ मिट्टी कर दें। तो दोस्तों कप्पड़ मिट्टी करना, जो मैंने पहले भी बताया था, इस तरह सिंपल मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें कपड़े को भिगो के और इसके चारों तरफ लगा दें। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, पेट में जो अग्नि है वो मंदाग्नि की शिकायत रहती है, भूख नहीं लगती, किसी को ग्रहणी की शिकायत हो, यानी जो ग्रहणी रोग होता है जिसमें खाना पचता नहीं है, इसके अलावा जो गर्मी की वजह से अतिसार होते हैं या फिर पेशाब में
जलन की शिकायत हो उनमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों पेट में गर्मी की वजह से ज़्यादा बढ़ने की वजह से गर्मी या पित्त के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भोजन पचने की बजाय जलने लग जाता है, जिससे व्यक्ति को गैस, खट्टी दकारें या पचन की शिकायत हो जाती है। उस तरीके की जो शिकायत होती है उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ये भोजन के बाद जो पेट का भारीपन है उसको बहुत अच्छे तरह से ख़त्म करती है, मतलब ये औषधि बहुत ही कारगर है। इस औषधि को अन्य औषधियों के साथ मिला के प्रयोग किया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो 125 mg से 250 mg बताई गई, यानी एक रत्ती से दो रत्ती। आप इसको दिन में दो बार शहद पीपल दोनों को मिला के इसके साथ शहद सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गुलकंद, नींबू के रस या अनार के रस के साथ भी इसको रोग अनुसार सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों गुल्म और उदर रोगों में पुनर्नवा क्वाथ के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा पित्त प्रधान रोगों में शीतोपलादी चूर्ण और शहद मिला के इसका सेवन कराना चाहिए। दोस्तों इसके साथ आप गुलकंद व आंवले का मुरब्बा भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों काश और श्वास में आप अदरक स्वरस और मधु के साथ इसका सेवन कराएं तो बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों शराब संपुट करने के बाद अब इस औषधि को हमें गजफुट फूंकना पड़ेगा। गजफुट का मतलब होता है दोस्तों, गज का मतलब होता है 3 फीट, यानी 3 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा एक गड्ढा बनाना होता है। उस गड्ढे के अंदर कंडे भरने होते हैं, कुछ कंडे नीचे, कुछ उसके बाद दवा रखनी होती है, उसके बाद ऊपर कंडे रखने होते हैं। इस तरह से गजफुट लगाया जाता है, उसको आग लगा देते हैं। इसमें लगभग 500 कंडों की आवश्यकता होती है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कितने कंडे लेने हैं, कितना कुछ लेना है, तो गजफुट बनाना पड़ता है। तो मैं अभी गजफुट बनाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि एक दो औषधियाँ और होंगी वो भी हम इस गजफुट में साथ में फूंक सकते हैं। तो दोस्तों आगे का वीडियो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें अवगत करा सकते हैं कमेंट के द्वारा। और अगर किसी विषय पर आप खास वीडियो चाहते हो या किसी औषधि के बनाने की विधि चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।